अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी मैं सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही हूँ, वेज सैंडविच सिंपल सा। उसके साथ भूख लगी तो सिंपल सा बना लूँ ऐसा सोची। कैरेट, काकड़ी, ऑनियन लंबा लंबा ऐसा गोल गोल काट ली मैंने। तवा रख दी हूँ और ब्रेड के पैकेट भी निकाल के ले ली हूँ। एक ब्रेड ले ली, उसमें टोमेटो सॉस ऐसा लेके स्प्रेड कर लेते हैं। स्प्रेड करके उसके ऊपर कांदा, काकड़ी और कैरेट जिस हिसाब से आपको लगाना है आप लगा के बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें मेयोनीज भी लगा सकते हैं, चीज़ भी लगा सकते हैं। मैं यूज़ नहीं कर रही वो दोनों को भी, क्योंकि उसमें थोड़ा फैट बढ़ता है तो मैं मोटी होना नहीं चाहती हूँ, तो यूज़ नहीं कर रही। कभी कभार यूज़ करती हूँ, अभी सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं। तेल थोड़ा सा डाल दी थी मैंने तवे में, फिर ये सैंडविच रख दी उसके ऊपर। एक साइड अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, फिर पलट लेंगे अच्छे से, वो भी रोस्ट हो जाएगा। जब तक दूसरा प्रिपेयर कर लेते हैं ऐसे चारों तरफ एक एक चीज़ रख के स्प्रेड कर लेंगे। आपके पास ओवन रहेगा तो उसमें भी रख सकते हैं। ये टोमेटो सॉस में ना लगा के खाएंगे ना मज़ा आ जाएगा। बाद में मैं पोहा बनाने वाली हूँ, फिलहाल के लिए सुबह उठते ही ये बना रही हूँ। अलग अलग फरमाइश है, सैंडविच मेरे घर में बहुत से लोग नहीं खाते, कुछ लोग खाते। अभी मैं थोड़ा बाज़ार जा रही हूँ, वेजिटेबल कुछ ख़त्म हो गया था वगैरह लेने के लिए। हॉस्पिटल भी थोड़ा भाई को इन्फेक्शन हुआ है गले में, तो दिखाने जा रही हूँ। हवा पानी चेंज हुआ है ना, तो ये पूरा तकिया वार्ड बोलते हैं इसको, कुर्ला वेस्ट का तकिया वार्ड है ये। इधर मच्छी मार्केट है छोटी सी। देखिए कुर्ला की गलियाँ, मुंबई के घर कैसे, देखिए छोटी छोटी गलियाँ रहती है इधर। ये राइट साइड में जो दिख रहा है इस साइड मच्छी मार्केट है पूरा। इधर चिकन की थोड़ी छोटी सी दुकान है ये वाली, और इधर से राइट मुड़ेंगे तो दवाखाना आ जाएगा, हॉस्पिटल क्लिनिक। भाई के साथ आई हूँ मैं, भाई को दिखाना है, उसको कुछ निगला ही नहीं जा रहा है, इतना इन्फेक्शन हो गया गले में। कल आए थे हम लोग वापस, कल छुट्टी हो गई थी, दीपावली है ना, तो डॉक्टर लोग छुट्टी हो गए थे। तो आज सुबह 11:30 तो अभी हम लोग आए। ये हमारे फैमिली डॉक्टर है, अच्छी अच्छी दवा देते हैं, इनकी दवा सूट होती है हम लोग को। तो इनकी और एक डॉक्टर है संदीप बोल के, उनकी। कुर्ला का बाजार सुबह का लम्हा, आ गए हम लोग क्लिनिक के पास। यही एक क्लिनिक, अभी घर पे जाएंगे। आते साथ मैंने पोहा बना दी, इसका कुकिंग चैनल पे मैं वीडियो डाल दूंगी डिटेल में। और ये पोहा चाट बना दी मेरे लिए, थोड़ा अच्छा लगता है। कैरेट वगैरह ऐसा खरोच के डालेंगे और नारियल खरोच के डालेंगे ना, ऊपर से नींबू छिड़क देंगे तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में मुझे तो। थोड़ा सा काम, बड़ी बैग पहन के कहाँ जा रहे हो भाई, किधर जा रहे हो? कछुए भाई, ए कछुए, कछुआ बन गया तू तो, इतना सा मुंडी भी वैसी है, टकली मुंडी है। इधर आओ इधर आओ, ये देखिए हमारे घर में कछुआ आया है, भाग, थोड़ा भागने वाला कछुआ है ये। अभी मैं ये सब बनाने की तैयारी कर रही हूँ साउथ स्टाइल का। ये है स्प्राउट्स, मूंग का सलाद बनाऊंगी, और दही और पोहा नारियल, इस तीनों मिश्रण का मस्त स्वीट बनाऊंगी, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये मूंग, ये है ना ऑनियन है, कैरेट, कोकम्बर, कोपरा, नींबू,
ऑनलाइन से मैंने HMT कोलम राइस ऑर्डर करी थी, 10 किलो आया है अभी। ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, देखते कैसा बनेगा कोलम राइस। ज़्यादा बासमती यूज़ हो रहा था। ये अभी वही ओपनिंग कर रही हूँ मैं, गुड लाइफ का है। देखने से तो बढ़िया लग रहा है, पका के देखते हैं अभी कैसा बनेगा। अच्छा है देखने में तो कोलम राइस। अभी मैं रेसिपीज बना लेती हूँ। मूंग स्प्राउट और दही पोहा, गुड़ पोहा बनाऊंगी। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं कुकिंग चैनल में डाल चुकी हूँ, आप जाके उसमें देख सकते हैं, लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगी। ये देखिए ये बन के तैयार है हमारा गुड़ पोहा, दही पोहा और मूंग स्प्राउट। इसका डिटेल वीडियो है कुकिंग चैनल पर, कमेंट्स में डाल दूंगी, उसको क्लिक करें अपने आप आ जाएगा। मैं गुड़ पोहा, दही पोहा, सलाद, स्प्राउट्स, इतना बड़ा नहीं वाला, थोड़ा थोड़ा खाओ। ऐसा ले अभी शाम के 7-8 बज रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी एक राउंड मारने के लिए ऐसे ही, मैं और शायद के पापा और शहजाद। शायद सो गया है तो उसको छोड़ के आए नानी के पास। ये पूरा पाइप रोड का एरिया है, कुरला पाइप रोड। यहाँ ना खाने का खजाना है, मतलब रात भर इधर रहता है खाना पानी, जैसे बिरयानी, पुलाव, कीमा, तंदूरी रोटी, नली निहारी, सब इधर मिलता है रात भर। कुछ भी सस्ते सस्ते में ही मिलता है, 50 रुपया प्लेट, 100 रुपया प्लेट। ये अभी रात के, अभी हम लोग घूमते घूमते आए तक ही 10 बज रहे रात के, 10-11 बज रहे। हम लोग पूरा स्टेशन घूम रहे थे फिर इधर आए। रात में तक थोड़ा ठंडा रहता है ना, घूमने अच्छा लगता है। शहजान को लेके मैं जा रही हूँ गोदी में, ये आ रहे पीछे से। इनका कुछ काम भी था मोबाइल का तो वो अपना कर रहे, मैं अपना इधर घूमते हुए जा रही हूँ। इधर चिक्की वगैरह है, ले रही हूँ। चिक्की वगैरह ले ली मैंने, शहजान शहजान को बहुत पसंद है। शहजान वही बोल रहा है ये ले लो करके उसकी भाषा में। इधर शोरमा ले रही हूँ, एक बोलियो शहजान अच्छा है, सुपर सुपर। खुद ही बता रहा है कि वो लो वो लो। हो गया काम। कितनी लंबी बिल्डिंग है पाइप रोड में। हेलो, हाँ सलमान भाई, हाँ रेट दिए क्या कुछ तुमने उसको? आउट वारंटी, अभी नॉर्मल अपन 25 में ले रहे। छोटा सा शेर बैठा हुआ है, शेर आंखें देखिए इनकी आंखें। इधर से घुस जाते
बड़ी मार्केट कितना सन्नाटे में है। पूरा ये बड़ी मार्केट है, इधर बहुत भाजी वगैरह बिकता है, गोश्त मच्छी। कुर्ला की बड़ी मार्केट भूत बंगला दिख रहा है। इधर मार्केट पूरी बंद हो गई है, रात के 11:30-12 बज रहे हैं। पूरा बड़ी मार्केट है ये। इधर थोड़ा सजावट है दीपावली की। कपल सूझना चाहिए, माइंड फ्रेश होता है, फिर भी स्ट्रेस वगैरह रहता है ना, रिलैक्स हो जाता है। रात में तो और ठंडा रहता है माहौल, अच्छा लगेगा। इधर पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं। आ गए हम लोग, कोल्ड बिल्डिंग का रास्ता है ये पूरा कुर्ला का। रात का नज़ारा देखिए, मुंबई के रात के 12 बजे का नज़ारा देखिए। पूरा इसी ये लोग जागे ही रहते हैं इधर। वो जो मुरमुरा बोलते गांव में उसको, मुरमुरे अनार खाने की चीज़ है ही नहीं, खाने का नाम डाल दो बस। हाँ हाँ कल ही करता ना, चलेगा ना, चलेगा। पक्की बढ़ गया, आधे का नाम नहीं ले रहा। आजा आजा। हाँ हाँ 1000 रुपये मार देगा ना। आजा आजा। ए गाड़ी में से उतरना नहीं है ना? नन 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 नन। क्या भाड़ा है दिन का? दिन का शहजान, कभी शहजान घूम के आ गए। मस्त राइड, पाइप रोड पूरा। मैं बोर हो रहा था, चलो अंधेरी रातों में समीना आई है। देखिए हमारी कुर्ला की गलियां। शख्स को जरा गौर से देखिए इस हुसैन साहब को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। बाय। दुआ में याद रखिए। गुड नाइट। आ गए हम लोग घर पे।